जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। तो फाइनली क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स आप लोग का जो है भौतिक शास्त्र का रियल पेपर जो कि 15 जो है कि तारीख को 15 जून को असली पेपर जो आने वाला है वो यही पेपर आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपका पेपर जो है कि फाइनली लीक हो चुका है। ये आप लोग का अब की बार नहीं जो है कि बार बार लीक होता रहा आ रहा है, जो कि आप लोग का ओपन बोर्ड आप लोग का जो है रुक जाना नहीं, परीक्षा का जो आपका फार्म है सॉरी ये पेपर है आप लोग का जो है रियल पेपर फाइनली लीक हो गया। आप लोग का यहाँ पर देख सकते हो जीव विज्ञान का अर्थशास्त्र रसायन में सारा पेपर हमारे पास कंप्लीट आ गया है। अभी अभी लेकर आए हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो मैंने सोचा कि प्यारे विद्यार्थियों को अभी प्रोवाइड कर दें तो आप लोग अच्छे से तैयार कर पाएँ। तो आप लोग देख सकते हो सारा पेपर लेके आ चुके हैं, ये मैथ का है। अभी आप लोग देख सकते हो पूरे पेपर को मैंने लाया है, यहाँ पर देख लो आप लोग का पूरा पेपर आ गया है फाइनली। आप लोग का जो है रुक जाना नहीं, मैं आप लोग टॉप टॉप करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। क्या करेंगे? टॉप करेंगे आप लोग, जो कि आप लोग को मैं गारंटी देता हूं कि 85% से ऊपर ही लाएंगे। कितने? 85% से ऊपर लाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। आप लोग को जो है टॉप करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। जितने भी विद्यार्थी हैं आप लोग का रियल पेपर फाइनली आ गया है। आप लोग के यहाँ पर खुशी की बात है, यहाँ पर देख सकते हो सारा पेपर। मैंने आप लोग को सुबह देने की सोच रहा था, फिर नहीं, मैंने सोचा कि अभी विद्यार्थी सब एक्टिव में बंदे, आप लोग जो है अच्छे से पेपर प्रोवाइड करो। कोई चार्ज, कोई फीस, कोई नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा प्यारे विद्यार्थियों। बस आप लोग को टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे इसका पीडीएफ लेंगे अगर तो पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा। पासवर्ड एक रहेगा, उसको एंटर करेंगे तो पीडीएफ खुल जाएगा। हर विषय का अलग अलग पासवर्ड है जो कि आप उस पर खुलेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक है वहाँ पे, जाकर के आप जो है कि पीडीएफ पर टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, वहाँ से जो कि आप जो भी विषय लेना चाहते हो ले सकते हो। हमारे पास कोई चार्ज, कोई फीस नहीं लगेगा, आप लोग को फ्री में दिया जाएगा। यहाँ पर देखो फिजिक्स का फुल सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं आप लोग के लिए। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक फुल वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग का फिजिक्स का पेपर होने वाला है, चलिए हम देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर देख लो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और 500 से प्लस लाइक होने चाहिए, कम नहीं। आप लोग को यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर आप लोग का जो है प्यारे विद्यार्थियों, देखिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग टोटल 19 क्वेश्चन आ रहे हैं और आप लोग का पेज 8 होने वाला है। आप लोग का 70 पूर्णांक तो जानते ही हो, सेम आपके वार्षिक की तरह होता है पेपर, रुक जाना नहीं का। लेकिन थोड़ी सी इनमें जो है कि आपके क्वेश्चंस को इधर उधर कर दिया जाता है, जो कि बोर्ड द्वारा क्वेश्चन को हटा दिया जाता है और नए क्वेश्चन को ऐड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? ऐड कर दिया। आपके जो है इंग्लिश और हिंदी दो माध्यम में आपका पेपर आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, और आप लोग का जो है फिजिक्स 210 कोड होने वाला है, यही पेपर आएगा। और आप लोग का यहाँ पर देख सकते हो, आप लोग को विश्वास नहीं तो यहाँ पर देख लो, रुक जाना नहीं, आप लोग का आर 12 लिखा है, इसका मतलब होता है आर रुक जाना नहीं क्लास 12 का पेपर आप लोग का यहां पर। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। इसके पहले आप निर्देश को अच्छे से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, इसके बाद परीक्षा हॉल में कॉपी मिलेगी, इसके बाद ही हल करें। तो प्यारे विद्यार्थियों चलिए आप लोग का जो है पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देख लो आप लोग का पहला क्वेश्चन, 7 अंक का प्रतीक पर एक एक अंक निर्धारित किया गया है। यहाँ पर आप लोग का है पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों के सही विकल्प चुनकर लिखना, यानी कि आप लोग का जो विकल्प है उसको सही सही चुनकर लिखना है। आप लोग को क्या करना है? सही सही चुनकर लिखना है। यहाँ पर आप लोग को एक एक शब्द यानी कि लिखना होगा, एक एक नंबर मिलने वाला है। क्या करना है? एक एक नंबर मिलने वाला है। तो आप लोग का प्यारे विद्यार्थियों, तो प्यारे विद्यार्थी जो है कि आप लोग इसको एक शब्द लिखने से आप लोग का एक नंबर मिलने वाला है। यहाँ पर देख सकते हो टोटल 7 क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, 7 अंक मिलने वाला है आप लोग को, 7 शब्द लिखना होगा। पहला है आप लोग का बिंदु आवेश क्यू के कारण आर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। तो आप लोग का यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ई आप लोग को हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो आर, और आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अगला आप लोग का यहाँ पर है इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी देखते जाइए फटाफट, इस प्रकार से आप लोग का रहेगा। यहाँ पर धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, यानी कि धारा जो है उसके चुंबकीय प्रभाव की खोज किसी ने की थी। आप लोग का यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पहला है फ्लेमिंग ने, दूसरा है ऑस्टेड ने, और आप लोग का तीसरा है फेराड ने, और आप लोग का चौथा है एम्पियर ने। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पहला आप लोग का दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑस्टेड ने। तो आप लोग का अगला है यहाँ पर इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी ढंग से देखो अच्छे से, और आप लोग का अगला चुंबकीय से जो है प्लक्स के पर ऐसा ही मात्रक है। यहाँ पर आप लोग 4 दिया है, पहला है बेबाद, दूसरा है गाउस, और तीसरा है ऑस्टेड, और चौथा है टेस्ला। और आप लोग का इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा वेवर, और आप लोग का अगला हो जाएगा, आप इंग्लिश माध्यम के देख लीजिए, पहला नंबर आप लोग का वेवर वो है राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला क्वेश्चन है निर्वात विद्युत चुंबकीय की तरंग के वेग होता है। तो आप लोग का यहाँ पर जो है आप लोग का इसका वेग होता है, तो एमएमएस से आप लोग का 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाए आप लोग का हो जाएगा, ये आप लोग का राइट आंसर। चलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप लोग का अगला क्वेश्चन जो है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ इंग्लिश माध्यम जो है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर दिया है, क्या है ज्यामिति छाया का प्रकाश जो है कि अतिक्रमण को क्या कहते हैं। यहाँ पर आप लोग का
चार ऑप्शन, पहला है व्यतिकरण, दूसरा है विवर्तन, और आप लोग का तीसरा है ध्रुवण, और आप लोग का चौथा है अपवर्तन। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा विवर्तन, आप लोग का दूसरा नंबर राइट आंसर। यहाँ पर देखते हैं इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी, यहाँ पर देख सकते हो आप अपना, और दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए पेपर है। आप लोग दोनों लोग देखिए, एक ना जरूरी नहीं है कि हिंदी भर के लिए है, मैं पढ़ रहा हूँ हिंदी के लिए, यानी कि बेसिक आप लोग भी जो टिक लगाता हूँ उस पर लगा दे। मान लीजिए यहाँ पर आप लोग का तीसरा ई आप लोग का है, यहाँ पर मैंने दूसरे में लगाया, तो आप भी यहाँ पर दूसरे में लगा लीजिए। इस प्रकार से आप भी अपना जो है पेपर देख पाएंगे। यही पेपर आएगा आप लोग को इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, बस आप लोग को इसी पेपर को हल करना होगा। अगर आप इंग्लिश माध्यम है तो इंग्लिश में लिखेंगे, और हिंदी है तो आप लोग हिंदी में लिखेंगे। यहाँ पर आप लोग देख लिया, अगला आ जाएगा एक फर्स्ट की ऊर्जा जो है 3 eV है, तो प्रोटॉन का जो है तरंग दैर्ध्य होगा। तो आप लोग का यहाँ पर चार ऑप्शन दिया है, पहला है क्या 4125 NM, आप लोग का हो जाएगा यहाँ पर 412.5, आप लोग का अगला हो जाएगा 4150, और आप लोग का 4 NM। तो आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा है, यहाँ पर 4 NM। आप लोग का अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा होगी, तो एक ग्राम जो पदार्थ है उसका समतुल्य ऊर्जा कितनी होती है। तो आप लोग का यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन है 9 × 10⁶ जूल, और आप लोग का हो जाएगा अगला 3 × 10⁷ जूल, और आप लोग का अगला हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × 10⁶ जूल, और आप लोग का यहाँ पर अगला हो जाएगा 10⁹ × 10, यहाँ पर आप लोग का 13 जूल राइट आंसर यही होगा आप लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी, यहाँ पर देख लीजिए। चलिए प्यारे विद्यार्थी अगला देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग का जो है आया आप लोग का रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग का यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, आप लोग का दो समांतर चालक के तारों के एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये एक दूसरे के खाली स्थान करेंगे, तो क्या करेंगे आकर्षण करेंगे, क्या करेंगे आकर्षण, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आकर्षण राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला है धारावाही वृत्ताकार कुंडली के क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र उसके तल के खाली स्थान होता है, क्या होता है लंबवत होता है, क्या होता है लंबवत। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा लंबवत। आप लोग का अगला है जब एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के खाली स्थान गति करता है तब उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, तो आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुदिश कार्य नहीं करता है, अनुदिश आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। आप लोग का अगला है यदि कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के ऊर्जा के व्यय की दर शून्य हो तो तब परिपथ की धारा को खाली स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं तो वाटहीन कहते हैं। आप लोग का अगला है ट्रांसफार्मर खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है, किसके सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय दृढ़ के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप लोग का विद्युत चुंबकीय दृढ़ के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला आ जाए कुंडली के प्रेरित धारा की दिशा खाली स्थान के नियम से ज्ञात की जाती है, तो लेंज के नियम से, किसके लेंज के नियम से। अगला है आप लोग का प्रकाशी के तंतु खाली स्थान सिद्धांत पर जो है कार्य करता है, तो आप लोग का पूरा आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। आंतरिक प्रकार करता है। अगला आप लोग का प्यारे विद्यार्थियों इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी जितने भी हैं आप लोग अपना देख लो, इस प्रकार से उसका ट्रांसलेट करके आप अच्छे से लिख लेना है और अच्छे से तैयार करके जाइए प्यारे विद्यार्थियों। यही है आप लोग से रिक्वेस्ट हमारी, आप टॉप करके लाइए और इसके बाद आकर कमेंट कीजिएगा कि आपका परसेंट कितने बना। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन सही जोड़ी बनाना है, तो आप लोग का पहले के यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा ई नंबर, पहले का ई नंबर हो जाएगा, और आप लोग का दूसरे का द नंबर हो जाएगा, और आप लोग का तीसरे का ग नंबर हो जाएगा नीचे, और आप लोग का चौथे का ब नंबर हो जाएगा दूसरा नंबर, और तीसरे पाँचवें का हो जाएगा आप लोग का फ नंबर ए, और आप लोग का यहाँ पर छठवें का हो जाएगा स नंबर यहाँ पे, और आप लोग का अगला है धारा का घनत्व, तो ए आप लोग का फर्स्ट वाला हो जाएगा। इस प्रकार से इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी भी इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग अपना। तो चलिए आप लोग का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग का है यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर प्यारे विद्यार्थियों। पहला है
क्या है, ताप वृद्धि के साथ साथ जो है कि अर्धचालक की चालकता किस प्रकार के जो है परिवर्तन होता है, तो आप लोग का किस प्रकार का होता है परिवर्तन, तो बढ़ती है, क्या होता है, बढ़ती है। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो अपना राइट आंसर यहाँ पर बढ़ती है, क्या कहती है, बढ़ती है। आप लोग का अगला हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीएन संधि में जो है अक्षय पर्त की मोटाई किस कोटि में होती है, तो आप लोग का हो जाएगा यहाँ पर अपना देख सकते हो 10-6 10-cm हो जाएगा इसका। और आप लोग का अगला है, यंग की अभिनति जो है पीएन की संधि डायोड के प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, तो आप लोग का प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का पक्ष अभिनति, क्या हो जाएगा, पक्ष अभिनति, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अगला आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर है, पतली फिल्म की रंग के कारण क्या होता है, तो आप लोग क्या होता है यहाँ पर, बी आर आप लोग का वपान पी हो जाएगा। आप लोग का अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी, चलिए अगला क्वेश्चन सभी है, विद्युत के चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों के नाम की जो है आवृत्ति बढ़ने का क्रम लिखिए, तो आप लोग का इसका क्रम क्या हो जाएगा, आप लोग इसका क्रम हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर रेडियो तरंग, इसके बाद अवरक्त तरंग, फिर सूक्ष्म तरंग, फिर दृश्य तरंग, फिर आप लोग का प्रावैगनी तरंग, फिर एक्स तरंग, फिर बीटा तरंग, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला आप लोग का विद्युत के चुंबकीय स्पेक्ट्रम किन किन भागों में जो है भेदन क्षमता सर्वाधिक होता है, तो जो है गामा किरण, गामा किरण राइट आंसर हो जाएगा, गामा किरण। आप लोग का अगला हो जाएगा, अगला आप लोग का जो है एक शब्द एक वाक्य, सॉरी आप लोग के दो दो अंक के सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर, आप लोग का दो दो अंक के क्वेश्चन देख सकते हो। आप लोग को जो है कि इसको वीडियो लंबा भले हो सकता है, आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए, मैं वीडियो लंबा भले हो सकता है, आप लोग जो फुल सोल्यूशन लेके लाया हूँ फुल सोल्यूशन बताएंगे। यहाँ पर आप लोग पाँचवा क्वेश्चन है, किसी विद्युत के जो है ध्रुवी ध्रुवी के आगुण को परिभाषित कीजिए, और यह है यह सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो चलिए आप लोग का इसका थोड़ा देख लीजिए, विद्युत फ्लक्स का इनको परिभाषित कीजिए और इसका ऐसे मात्रक लिखिए, चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जो है इसका राइट आंसर आप लोग चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे है आप लोग का राइट आंसर, तो आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हो क्या हो जाएगा आप लोग का, इस प्रकार से आप एक छोटा सा चित्र बना लेना है और इस प्रकार से लिखना है, यदि विद्युत के ध्रुवीय दोनों ओर जो है कि -Q और तथा +Q के कूलम के जो है हो, तो उनके बीच की दूरी जो है कि 2 एमीटर आप लोग का हो, तब विद्युत की जो है ध्रुवीय आघूर्ण जो है कि P बराबर जो है Q × 2L और होता है, और विद्युत का ध्रुवीय आघूर्ण एक सदिश राशि है जिनकी दिशा प्राय ऋणात्मक से धनात्मक आवेश की तरफ लिया जाता है, आप लोग का ये हो जाएगा। और आप लोग का अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पर चलिए देख लेते हैं आप लोग का यहाँ पर वीडियो, प्यारे विद्यार्थियों अभी आप लोग का जो है सुबह यही पेपर आने वाला है, अभी का जो है कि अभी अभी जो मैंने रात के बहुत रात हो चुकी है, अभी आप लोग का जो है प्यारे विद्यार्थियों मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यही पेपर आएगा आज सुबह, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्या है, अनुगमन वेग की परिभाषा लिखिए और धारा एवं अनुगमन में संबंध भी लिखना है, तो आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग का राइट। दूसरे शब्दों में जब किसी भी चालक की प्रवाहित की जाती है, तो जो है चालक की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग के लिए 10-4 मीटर जो है सेकेंड की गति से लगता है, और इलेक्ट्रॉन इस नियम पर जो है सूक्ष्म वेग के जो है अपवाह या वेग के अनुगमन वेग भी कहते हैं। चलिए आप लोग का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है आप लोग का क्या है, यहाँ पर चल कुंडली या धारा मापी है कुंडली के मध्य नर्म लोहे के जो है किरेट के रखते हैं, तो आप लोग का इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, नर्म लोहे की चुंबकशीलता, आप लोग का राइट आंसर यहाँ पर चलिए देख लेते हैं, ये नर्म लोहे के लिए चुंबकशीलता अधिक होती आता है, इसके जो है कि नर्म लोहे इसके इसमें हो इसमें से होकर जो है अधिक से अधिक बार बल रेखाएँ गुजरने का प्रयास करती हैं, जिससे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है और क्षेत्र को जो है त्रिज्यित होने के लिए सहायक मिलती है, जिससे कुंडली का तल जो है सदैव बल के रेखाओं के समांतर होता है। आप लोग का अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन से है यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 100 का प्रतिरोध और 220 का वाट 50 हेक्टेयर की आपूर्ति के समय लोग यहाँ पर लिखना है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पहले का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा और दूसरे का यहाँ पर देख लो, इस प्रकार से आप लोग का अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थी,
आप लोग का अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी, आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो है आवश्यक शर्तें लिखिए। तो उसके आवश्यक शर्तें लिखना है आप लोग को, तो पूर्ण परावर्तन की आवश्यक शर्तें चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख लो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग का इस प्रकार से एक छोटा सा चित्र बना लेना है। इसके बाद बनाने के बाद आप लोग को पूरा आपका जो है पूरा आंतरिक परावर्तन की शर्त, पूरा आंतरिक परावर्तन की घटना तभी घटित होती है जब या दो पूरी हो जाती है, दो शर्तें पूरी हो जाती है, अर्थात पूरा आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें हैं प्रकाश के जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में केवल जाना चाहिए, आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण होना चाहिए। इस प्रकार से जो है आप लोग कैसे बना दें, पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है आप लोग का। अगला आप लोग का क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, प्रकाश के विद्युत प्रभाव को प्रभावित करने वाले जो है परिभाषित कीजिए, और इसके लिए संक्षिप्त जो है साइंस्टीन का जो है समीकरण लिखिए। तो आप लोग का उसका समीकरण लिखना है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अपना राइट आंसर ये होने वाला है, और इसको भी अच्छे से स्क्रीन शॉट ले लो, तैयार करके जाओ। अभी आप लोग का पेपर जो है सुबह एक पेपर आएगा, अभी हमें शाम हो रही है, शाम को पेपर आप लोग को प्रिपेयर कर रहा हूँ, यानी कि आपके भोर में है अभी हम 2 बजे के आसपास ऐसा कुछ है समय। यहाँ पर चलिए आप लोग का देख लेते हैं, आप लोग का पेपर अभी शाम को ही आया है, तो आपको मैंने जल्दी से निकाल लिया हूँ, अपने पास सारा व्यवस्था है बनाया हूँ। तो आप लोग का यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन से यहाँ पर है क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है किंतु उसके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएँ होती हैं, क्यों? तो क्यों होती हैं, क्योंकि जो है यहाँ पर देख लेते हैं क्यों होती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों क्यों होती हैं, तो क्यों होती हैं यहाँ पर देख लीजिए, पता है हाइड्रोजन के परमाणु एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, परंतु इसके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की कई रेखाएं होती हैं, कारण हाइड्रोजन परमाणु के अवशोषण के स्पेक्ट्रम केवल जो है कि लाइनम श्रेणी से प्राप्त होती है, जबकि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम सभी श्रेणी में प्राप्त होती है। आप लोग का हो जाएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है नाभिकीय द्विखंडन जो है कि नाभिकीय संलयन में दो प्रमुख अंतर लिखना है। इस प्रकार से आप लोग का अंतर चलिए देख लेते हैं, ये आप लोग का राइट आंसर है नाभिकीय द्विखंडन। एक भारी जो है नाभिक का जो है कि न्यूट्रॉन की बमबारी करने का अपेक्षा के दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, जो इसके विपरीत नाभिकीय संलयन को दो हल्के नाभिक के जो है संलयन से होकर एक भारी नाभिक का रूप ले लेता है, और द्विखंडन विखंडन जो है प्रक्रिया जो है भारी तत्वों के नाभिक में ही होती है। ये हो जाएगा राइट आंसर। और आप लोग का अगला क्वेश्चन से पूछ रहा है यहाँ पर क्या पूछ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन आप लोग का है द समांतर प्लेट सचित यहाँ पर है संधा चित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित करना है। तो व्यंजक को आप लोग को स्थापित करना है, तो यहाँ पर आप लोग का ये आप लोग का हो जाएगा 13वें का राइट आंसर। और आप लोग का अगला क्वेश्चन से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है किसी भी विद्युत के परिपथ के लिए किरचाप का नियम लिखना है। तो आप लोग का उसका नियम यही होता है, इसको आप तैयार कर लो। अगला आप लोग का 15वां क्वेश्चन ये होगा, इसका राइट आंसर आप लोग चलिए देख लेते हैं। ये सवाल है कुछ इस प्रकार से दिया गया, बैटरी का विद्युत प्रवाह बल आप लोग का ये बराबर 10 वोल्ट है, और प्रतिरोध जो है कि 3 ओम है, और जो है धारा परिपथ का धारा है 5 एम्पियर, सॉरी 0.5 एम्पियर, और प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करना है हमें, और बंद परिपथ की जो है टर्मिनल वोल्टता भी ज्ञात करनी है। तो इसको सूत्र के माध्यम से आप लोग का ये सारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए आप लोग का जो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग का अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दो लेंस के जिनकी फोकस दूरियां जो है F1 और F2 है तो संपर्क में रखे गए हैं, इनके जो है एक प्रकार निर्मित संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F है तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करना ही है आप लोग को, क्या करना है सिद्ध संपर्क आप लोग को जो है सिद्ध करना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो राइट आंसर इस प्रकार से, इस चित्र को बना लेनी है, फिर एक जो क्वेश्चन यहाँ पर जो है दिया इसको आप स्क्रीन शॉट लेते जाएँ और जो इसको अच्छे से तैयार कर लिए, इस प्रकार हो जाएगा। आप लोग का अगला क्वेश्चन है इस प्रकार से पढ़ सकते हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोग का है पीएन संधि डायोड क्या है, और पीएन संधि डायोड की जो है कार्यविधि अगर अभिनति के पश्चिम जो है अभिनति के विद्युत आरेख को खींचकर समझाना है। तो आप लोग को यहाँ पर मैंने लिख दिया है,
इसके माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस प्रकार से आप लोग का अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का वर्णन करते हुए बिंदुओं के आधार पर लिखना है। तो निम्न बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार, ट्रांसफार्मर एक ऐसा जो है केंद्र प्रतिवर्ती वोल्टेज के बिना ध्रुवीय ऊर्जा नष्ट की का परिवर्तन कर देता है, जो अर्थात बड़ा कर देता है और या घटा देता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। सिद्धांत इस प्रकार से कुछ दिया गया है। अब इसको ट्रांसफार्मर कुछ इस प्रकार से आप लोग का ट्रांसफार्मर होता है, इसको देख लीजिए और यहाँ पर देख लीजिए, इस पूरे को लिख लेना है क्योंकि आपको मिलेगा कितना, चार नंबर फोकट में मिलने वाला नहीं है, चार नंबर। प्यारे विद्यार्थियों आप अच्छे से तैयार कीजिए। आप लोग का अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों लास्ट क्वेश्चन जो है 19वां क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है। तो 19वां क्वेश्चन तो दमदार है, पाँच नंबर का होने वाला है। यहाँ पर संयुक्त जो है सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षक के माध्यम से करना है, तो वर्णन करना है, सीधे बोल दिया है वर्णन, पाँच नंबर का है। तो यहाँ पर जो है वर्णन कर दिया गया है यहाँ पर किरचॉफ के नियम के अनुसार, तो आप लोग का ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है मैंने सारा प्रोवाइड किया आप लोग को प्यारे विद्यार्थियों, आशा है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग का पीडीएफ का पासवर्ड भी यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हो जाएगा 3376 आप लोग का 22। इस पासवर्ड को आप टेलीग्राम में जाने के बाद वहाँ पर पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर इंटर करेंगे पासवर्ड, तो आप लोग का ये पीडीएफ खुल जाएगा फिजिक्स का। धन्यवाद से जाकर आप जल्दी से तैयार कर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।